हाय व्यूअर्स, योर ओन अजय शर्मा। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है, अगर वो इस दुनिया में, तो वो है बेटी, लड़की, डॉटर। देखते ही बाप का चेहरा खिल जाता है, मज़ा आ जाता है, जैसे गुलाब का सुंदर फूल खिला खिला सा। जब बाप की बाहों में छोटी सी बेटी होती है तो अलग ही उसका एक अंदाज होता है, एक नखरा होता है। लेकिन बहुत दुख होता है जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ समाज में रेप जैसी घटनाएं घटती हैं। बहुत सारा समाज में जो एक प्रदूषण भरता जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मित्रों, हम सब जिम्मेदार हैं। जब एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, हम उसके अंदर संस्कार नहीं डाल पाते हैं कि बहन है, ये नारी है, सिर्फ दुनिया का सबसे सुंदर कृति है ईश्वर की, ये तुम्हारी बहन जैसी है। जहाँ पे समाज में दूषित लोग रहते हैं, जिन्हें खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, जिनके मन में प्रदूषण भरा पड़ा, गंदगी भरी पड़ी है, वो सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमें अपने समाज के विक्षिप्त लोगों को, जो गलत है, ख़राब है, उनको बचपन से उनको रोकथाम करनी होगी। कोई व्यक्ति 20, 22, 25 साल का बिगड़ा हुआ, उसे आप कैसे सुधारेंगे? मार के, सजा दे के। लेकिन जब वो बचपन की अवस्था में है कोई लड़का, क्या उसकी केयर नहीं करनी चाहिए समाज को, जो इस दुनिया में आगे चल के दुष्ट, गुंडा, मवाली, रेपिस्ट बन जाता है? तो मैं चाहूँगा कि संस्कार हमें बचपन से देने हैं। इस समाज के जो आवारा हैं, उनके बचपन को संवारिए, ताकि आगे चल के वो दुष्ट ना बने। लेकिन हमें उनके प्रति एक दंड का प्रावधान करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि कोई इस घटना को अंजाम ना दे सके धरती पे। थैंक यू।